हेलो भाई एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा पोकेमोन वर्ल्ड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम एक नया प्लेलिस्ट, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं पूरा जो ये न्यू सर्वर है वो कवर करने वाला हूँ। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जब तक मैं खेलूँगा पूरा एक ही प्लेलिस्ट में डालूँगा, सर्वर 672 नाम से। एंड ये वाला जो सर्वर है वो नया है, अभी आया है, आज ही आया है। तो जिन जिन को मेरे साथ खेलना है प्लीज़ सर्वर में ज्वाइन हो जाना। मैंने एक लीग भी बना दिया है उसमें पोके फैंस नाम से, तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन हो जाना अगर तुमको मेरे साथ खेलना है तो। ठीक है, तो देखो वीडियो पूरा पार्ट वाइज होने वाला है, ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या फिर तुम्हें वीडियो में थोड़ा सा भी अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये वाला वीडियो थोड़ा इमरजेंसी वीडियो है, एंड ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुमको बता सकूँ कि अभी जो है न्यू सर्वर रिलीज़ हो चुका है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था कि न्यू सर्वर आने वाला है जिसमें मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैंने आपको रिडीम कोड भी दिया था, एंड ये वाला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि न्यू सर्वर आ चुका है एंड मैं उसमें अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं जो आईडी वगैरह रखूँगा वो भी तुम सबको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँ, कौन सा लो, बॉयज़ और गर्ल्स? ओके, तो मैं सोच रहा था इस बार मैं मिस्टी ट्राई करूँ, ठीक है। एंड नाम रखना है मुझे पोके फैन 2565 वाईटी, अगर ओके पोके फैन ही होगा और वाईटी, नो नो नो, ओनली पोके फैन होगा, ठीक है। सो या कर लेते हैं पोके फैन, अब क्या ही कर सकते हैं अगर सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, उतना लंबा नहीं। ओके तो भाई कितने दिनों बाद खेल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट टाइम बैटल करने वाला हूँ ये कुछ 5-6 महीने बाद। ओके तो थोड़ा सा यहाँ पर भाई हमको सिखाया जा रहा है, जबकि इनको पता है कि नहीं, इसको पता नहीं है, ठीक है, कि हम पुराने प्लेयर है करके। ओके तो यहाँ पर कुछ बैटल वगैरह चालू है एंड देखते हैं कितना जल्दी ख़त्म होता है। भाई तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूँ क्या, या फिर क्लिप ही काट दूँगा अगर हो सके तो, मेरे से अगर पॉसिबल हुआ तो। वैसे मुझे क्लिप काटने का मन तो नहीं है। एंड साइड में डायनेमिक्स का ऑप्शन आ रहा है क्या, तो क्या हम डायनेमिक्स कर सकते हैं ट्रायल के अंदर? कोई देखना पड़ेगा भाई, ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी तक डायनेमिक्स ट्राई नहीं किया भाई, तब अभी तक मैंने डायनेमिक्स ट्राई नहीं किया। आई नो आ चुका है, बहुत टाइम पहले आया था डायनामैक्स, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। एंड मुझे देखना है भाई, ट्राई करके देखना है, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रांग पोकेमॉन दिए जाते हैं ट्रायल में, तो इज़ दैट पॉसिबल? मुझे करना है डायनामैक्स लेकिन नहीं कर पाया। ओके जाने दो। ओके अभी क्या करना पड़ेगा, स्टोरी लाइन चल रहा है क्या भाई? इसमें ज़्यादा स्टोरी वगैरह है नहीं, ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इसमें वैसे कोई रूट वगैरह भी नहीं होता है। ट्रेनर कैनियन इससे थोड़ा बेटर है आई थिंक, मुझे जो लगता है। मैंने भाई इससे पहले ट्रेनर कैनियन खेलता था मैं, एंड उसमें सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी करने के लिए, और जिसमें उसमें रूट वगैरह होता था एंड थोड़ा स्टोरी टाइप का होता था। यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट इन अदर सर्वर, डू यू वॉन्ट टू स्किप? ओके भाई हमको स्किप करना है, वैसे भी क्या करेंगे, ठीक है, क्या ही कर लेंगे। सुमोन ऑफ मिल रहा है, कस्टमाइज पोकेमोन। ओके तो देखो ये है कस्टमाइज पोकेमोन का ऑप्शन, जहाँ पर तुमको फ्री में पोकेमोन मिलता है। स्टार्ट करते हैं, और मुझे चाहिए ड्रैगन टाइप के अंदर, ठीक है, तो फायर पॉइजन वाटर इलेक्ट्रिक एंड ओके नो एंट्री करंट राउंड। ओके यहाँ पर कुछ नोटिस वगैरह होगा, प्री कंडीशन फॉर द फर्स्ट समन क्लियर डेंजन नॉर्मल 5-10, ठीक है, तो ये अपना क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके हम ये वाला जो ऑप्शन है वो अचीव कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से फ्री में SSR पोकेमॉन ले सकते हैं। तो भाई जो लोग भी बोलते हैं ना कि कस्टम पोकेमॉन से उसको पोकेमॉन नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न बस यही है, ठीक है, तुम ये जो डेंजन ये क्लियर नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपसे बैग जाता हूँ, हमें यहाँ पर वायदे पे दो सामान मिल चुका है लेकिन जिसका हम यूज़ अभी नहीं करने वाले, ठीक है, या फिर करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई अभी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर हमें जाना है एडवेंचर पर, अब मैं तुमको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा।
यहाँ पर देखो ये नॉर्मल वाला है एंड यहाँ पर 5 to 10 अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। यहाँ पर हमने बैटल पे क्लिक किया एंड नहीं है अपने पास पोकेमोन। ओके, डिप्लॉय, एक पोकेमोन हमने डिप्लॉय किया। मैं एक्चुअली भूल गया हूँ ना, बहुत दिनों से नहीं खेला, लेकिन उतना भी नूब नहीं हूँ मैं। ठीक है, अभी कर लूँगा मैं जो भी हो। ये सब मेरे को मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैंने बचपन में कर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रो वाली यूज़ करते हैं एंड डायरेक्टली डायनामैक्स का ऑप्शन आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि डायनामैक्स कैसे किया जाता है। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि गॉसी गेमर का जो वीडियो है वो मैं चेक कर लूँ। ऐसे तुम लोग जानती होंगे गॉसी गेमर, तो या मैं सोच रहा था कि उसका वीडियो मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि मैं तो नहीं डाल रहा था बट वो रेगुलर वीडियो डाल रहा था एंड भाई बंदे ने बहुत ही अच्छा ग्रो किया है चैनल। तो मेरे को भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि डायनामैक्स किया कैसे जाता है, या फिर मैं डायरेक्ट पूछ लूँगा। ठीक है, एंड जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं वीडियो में भी बता दूँगा। टेल वाई भाई यूज़ कर करके पिकाचू का टेल मोटा हो गया है, तुम लोग देख रहे हो। एंड ये कौन सा अटैक था भाई? ओके, डायनामैक्स तो होगा नहीं, मेरे को भी पता है। फिर से भाई अभी तो जस्ट आया है एंड अभी से लोगों ने पैसे खर्च करना चालू कर दिया सर्वर में। ओ भाई साहब, देखो कितने सारे लोगों को पोकेमॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट आया ही है सर्वर एंड ओके, ये क्या मिला है? ये कुछ तो है। ठीक है, लैबर्डे बकेट कैन बी ऑप्टेन बाय पार्टिसिपेटिंग। ओके ओके, सो एक्सचेंज फॉर वेरियस रिवॉर्ड इन द लैबर्डे एक्सचेंज। ओके, तो लेवर्ड एक्सचेंज से हम लोग ले सकते हैं एंड जो भी नया अकाउंट क्रिएट करने वाला है उन सब के लिए एक बढ़िया टिप देना चाहता हूँ मैं, कि यहाँ से जो भी जितने भी तुमको ये मिलने वाले हैं ना सिल्वर पोके कॉइन्स, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि भाई मिनिमम 80 कलेक्ट करो उसके बाद ही स्पिन करो। ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो ना तुम्हारे पास SSR पोकेमॉन के भरमार आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो भाई तुम बहुत पछताओगे बाद में जाके। अगर तुम न्यू प्लेयर हो तो भाई ये जितने भी टोकन मिलते हैं ना ये सब संभाल के रख दिया करो। ठीक है, इनको यूज़ मत किया करो। यहाँ पर भाई 3 पोकेमॉन है, तो क्या हम 1v3 कर पाएंगे यहाँ पर? ओके, लगता तो नहीं है भाई, लगता नहीं है बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे को कि हम 1v3 कर पाएंगे करके। ओके भाई पिकाचू, ओके पिकाचू ने पिकाचू को ख़त्म किया एंड मैं अभी ख़त्म होने ही वाला हूँ। ओके, तो मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पोकेमॉन है वो पावर अप नहीं है तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है एंड अलोला अभी तक अपना खुला नहीं है, लेकिन मैं अभी किसी न्यू पोकेमॉन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब मैं स्पिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा पावर अप कर लेता हूँ एंड इसी से काम चलाता हूँ फिलहाल के लिए। भाई वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अपग्रेड हो चुका है, अपग्रेड ये भी हो चुका है, अपग्रेड हो जा भाई, तू भी अपग्रेड हो चुका है, नाइस। यहाँ पर एक और लेवल अप कर देता हूँ एंड मुझे फिर से थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके ओके, हो चुका है आई थिंक। तो क्या मैं अभी लेवल 3 को हरा सकता हूँ? मतलब हाँ वही ठीक है, चैप्टर 1 का ये 3, अच्छा पूरा चैप्टर अगर नहीं भाई आई थिंक इतने से तो अपने को एक लेजेंडरी SSR पोकेमॉन मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई मेरे को बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा मेरे को एंड देखते अब अगर मैं इस बार हरा सकूँ। ओके, तो दैट्स सम पावर बॉयज, दैट्स सम पावर। ठीक है, एक ही बार में पिकाचू ख़त्म हो चुका है एंड अभी तो बाकी है, अभी बाकी है। ठीक है, मैं इसको इसके ऊपर यूज़ करूँगा। ख़त्म हो जा भाई। ओके, अभी एक ही बंदा बचा है। एक्चुअली मैंने उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रो वॉल इसलिए मारा था क्योंकि देखो उसने अभी तक अटैक अपना यूज़ नहीं किया था एंड मैंने उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिला है। ठीक है, अब तुम लोग इस बात को आई डोंट नो समझ पा रहे हो कि नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट वो ज़रूरी था। ठीक है, एंड ये वाला जो है हम जीत चुके हैं। अगर हमें अच्छी तरीके से अपने कॉइन सेव कर लें तो भाई जैसे ही हम किसी फ्लोर को हराते हैं, ठीक है, जैसे ही हम किसी फ्लोर को हराते हैं वैसे ही हम मतलब लेवल अप होते ही हमें अपना अटैक का जो पावर है वो इंक्रीज कर देना चाहिए एंड अगर हो सके तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, लेकिन अभी अपने पास उतना है नहीं। ठीक है, तो हमने बस 4 लेवल तक किया है, 4 लेवल
एंड अभी चैप्टर वन के अध्याय चार पर जाएंगे हम लोग के एंड इसको डिफीट करेंगे। भाई एक पोकेमोन से तीन तीन पोकेमोन को डिफीट कर रहा हूँ, देखो इसी बात पे थोड़ा लाइक तो होना चाहिए। देखो बेचारे पिकाचू के इस हौसले पर थोड़ा सा लाइक तो होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा लाइक कर देना। ओके इस बार थोड़ा इनका स्पीड मेरे को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, इस बार भी मैं वही करूँगा, पहले जैप को हराऊँगा एंड उसके बाद भाई ये मैग्नाजॉन या फिर जो भी है इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। टेल वाइप यूज़ करूँगा पहले तो। ओके हाफ एच पी खा गया टेल वाइप से ही, पैरालाइज हो गया है लेकिन भाई प्लीज़ ओके मूव मिस कर मत करना, मूव मिस बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर बहुत सही हो रहा है एंड यहाँ पर एक होको मूव एंड ख़त्म बंदा, ठीक है ख़त्म हो चुका है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि देखो ये सब तो तुमको पता ही होगा कि कैसे फ्लोर क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो है मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा वीडियो स्किप कर देता हूँ मैं। ओके गाइस तो यहाँ पर हमारा जो है हो चुका है चैप्टर वन कंप्लीट। तो मतलब यहाँ पर देखो चैप्टर वन के हमने नॉर्मल अच्छा तो यहाँ पर 110 है, ठीक है 110 नॉर्मल 110 है ये। तो आई डोंट थिंक कि भाई अभी ये वाला जो ऑप्शन है वो ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक लिखा है यहाँ पर आई थिंक लिखा है कि 510 करना है। यहाँ पर देखो क्लियर डेंजन नॉर्मल 510, ठीक है। तो मतलब हमको पहला वाला जो एरिया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जस्ट पहले ये तो क्लियर कर लेता हूँ। जैप डस्ट मिला है एंड बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं, ठीक है एंड ओके यहाँ पर हमें ब्रेव नेचर मिला है क्या। तो पहले तो मैं पोकेमोन पे जाता हूँ, स्किल्स पे नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाता हूँ क्वाइट नेचर पे एंड ये ब्रेव वाला मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। ओके कर दिया हमने, स्टारअप के जगह पे स्टारअप किया जाए, नहीं क्वाइट नेचर देखो हमको चाहिए, ठीक है क्वाइट नेचर फ़िलहाल मुझे चाहिए तो मैं क्वाइट नेचर के यूज़ नहीं करूँगा एंड यहाँ पर भाई जैप का थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। ओके लेवल टू, ओके तो लेवल टू कर देते इसको, हो गया ब्रेक थ्रू एंड इसको थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं, हो गया। तो हमको थोड़ा और करना है क्या, हो गया यहाँ पर मैक्स हो गया ये वाला एंड इसको भी थोड़ा मैक्स कर लेते हैं। भाई ये तीन पोकेमोन आई थिंक अभी के लिए काफ़ी होगा, अगर मतलब लेवल अप करता रहना पड़ेगा, लेकिन हम इस तीन पोकेमोन से जो नॉर्मल वाला डेंजन है 510 उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है मतलब इसी में हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अभी तक ये जो हमारा टीम है ना ये पावरफुल है भाई, ठीक है। ये तो स्टारअप करने के लिए बोल रहा है, स्टारअप अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें नेचर चाहिए, स्टारअप से ज़्यादा मैटर करता है नेचर, ठीक है। अगर तुम गेम खेलते हो ये दूसरा टिप है, अगर तुम बिगिनर हो तो कि जब भी तुम किसी पोकेमोन को कैच करते हो भाई स्टारअप करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि पोकेमोन को अच्छा सा नेचर दो। तो स्टारअप करने से पहले उसको नेचर देना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर 5 है हमको इस चैप्टर 5 का 10th वाला जो फ्लोर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। टाइम आइसलैंड खुला है, यहाँ पर कुछ अच्छा पोकेमोन मिलेगा क्या। ओके रायचू मिल रहा है, नॉट बैड रायचू भाई, कैच करते हैं देखते होता है कि नहीं। ओके पहली बार में कैच हो गया, इसका नेचर भाई देखा नहीं मैंने, ठीक है जाने दो फिलहाल के लिए। अभी पिकाचू से काम चला लेते हैं, पिकाचू का भी भैया बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर हम जैप को लेके आते हैं। पिकाचू भाई अपना ओपी है, ठीक है। तो अटैक किस पे किया जाए, देखो ये वाला जो है वो इलेक्ट्रिक अटैक से वीक है, पहले मैं इसी पे अटैक करूँगा एंड दूसरे का ये, तीसरे का ये ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। ओके कोई बात नहीं, मैं बैटल को थोड़ा स्किप कर देता हूँ या फिर ये वाला बैटल जो है तुम लोग देख लो, ठीक है, ताकि तुमको ये ना लगे कि भाई कोई फ्रॉडबाजी चल रहा है, ठीक है। ये वाला बैटल देख लो, उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है वो डेंजन 510 कंप्लीट करूँगा एंड फिर मैं तुमको दिखाऊँगा कि कैसे फ्री में SSR पोकेमोन लेना है एंड वो भी एक ही दिन में हम कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि एक ही दिन में हो जाएगा, आई थिंक
नहीं भी हो सकता है, एनर्जी का भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो एंड हाँ, एक और चीज़ जो मेरे को करना है, आई थिंक मैंने कोड कॉपी कर लिया था, एक्टिवेशन कोड में जाके पेस्ट करता हूँ। ओके, नहीं यार, कोड कॉपी नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले तो कोड लेके आता हूँ एंड इसमें कुछ एनर्जी ले लेता हूँ, एनर्जी बहुत ही कम है अपने पास। सो गाइस, ये है कोड जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था एंड इसमें भी मैं कर लेता हूँ अप्लाई, क्योंकि हमें भाई अभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड अप्लाई कर देता हूँ जिसमें मेरे को कुछ डायमंड्स भी मिल गया एंड 300 एनर्जी भी मिल गया। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है एंड अगर और भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो भाई हम वो भी कर लेंगे। पहले क्लेम कर लेते ये सब कुछ एवोल्यूशन के लिए, पिकाचू की इवॉल्व करने के लिए मिला है। ओके, तो गाइस, वैसे तो मुझे वीडियो कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कट करना पड़ रहा है क्योंकि देखो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। तो यार, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ मैं तुमको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।